हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उन फील्ड्स के फादर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने उसका इन्वेंशन तो किया ही है, लेकिन उनके ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें उस चीज़ में उसका फादर कहा जाने लगा, जैसे कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ टेलीफोन, फादर ऑफ मिसाइल्स। तो इस तरीके से कौन से वो लोग हैं जिन्हें अलग अलग फील्ड में उन चीजों का फादर यानी कि जनक कहा जाता है, तो ये हम आज जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं इनके द्वारा, तो इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है एलेक जॉन जेफरे को, लेकिन इंडिया में लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। फादर ऑफ टेलीफोन कहा जाता है एलेक्जेंडर ग्राम बेल को, क्योंकि इन्हीं ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। फादर ऑफ कॉमिक बुक्स, तो फादर ऑफ कॉमिक बुक कहा जाता है स्टैनली को, ये फादर ऑफ मार्वल कॉमिक है। और फादर ऑफ इंडियन कॉमिक किसे कहा जाता है, तो आनंद पाई। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि फादर ऑफ इंडियन कॉमिक किसे कहा जाता है, तो आनंद पाई। फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी होती है शरीर की रचना को एनाटॉमी कहते हैं, तो फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है एंड्रयूस वेसेलिस को। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजियर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी कहा जाता है एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूवेनहॉक को। फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है एरिस्टोफेन्स को। फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है एरिस्टोटल को। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है ऑगस्ट कॉमेटिक। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। फादर ऑफ पैलियोबॉटनी एडोल्फ थियोडोर ब्रोंगनेट और बीरबल सहानी इंडिया से, यानी कि फादर ऑफ पैलियोबॉटनी इंडिया में कहा जाता है बीरबल सहानी। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनेनियस को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही यहाँ पर कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने डार्विन थ्योरी भी दी थी नेचुरल सिलेक्शन पे। फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है क्लॉड बर्नर्ड को। फादर ऑफ सिनेमा, फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है सिनेमा जगत के सबसे फेमस जो थे वो थे दादा साहेब फाल्के, तो इनके नाम पर यहाँ पर फिल्म जगत का इंडिया में सबसे बड़ा जो प्राइज है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कहा जाता है, तो फादर ऑफ सिनेमा भी दादा साहेब फाल्के को ही कहा जाता है। अब दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम क्या था, तो दुंदूराज गोविंद फाल्के इनका नाम था। फादर ऑफ मॉडर्न सिनेमा किसे कहा जाता है, डेविड वाक ग्रिफिथ को। फादर ऑफ आयुर्वेद धन्वंतरी, ये बहुत ही पुराने वैद्य थे, एंशियंट टाइम में ये वैद्य हुआ करते थे धन्वंतरी, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डेमेट्री मेंडलीव, अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते हैं, तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डेमेट्री मेंडलीव को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी थी, उन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। फादर ऑफ वैक्सीनेशन और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन। फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो एरिस्थोनेस। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस
यूजिन एफ फेमा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो यूजिन पी ऑडम। फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म किसे कहा जाता है, तो फ्रांसेस्को पेट्रिका। फादर ऑफ यूगेनिक्स, फ्रांसिस गेल्टन। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फादर ऑफ जीन थेरेपी, फ्रेंच एंडरसन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने टेलीस्कोप का भी इन्वेंशन किया था, तो इन्हें इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिजिक्स में कई ऐसे ट्रिमेंडस इन्वेंशन किए हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है जॉफ्रे चौसर को। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जॉर्ज बूली एंड एलन ट्यूरिंग को। फादर ऑफ एविएशन जॉर्ज केले। फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज स्टेपसन को। फादर ऑफ जेनेटिक्स जोरर मेंडल। फादर ऑफ होम्योपैथी हैनमैन को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री याद रखिएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, यानी कि वेस्टर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी कि भारत में जो नीली क्रांति आई थी उसका जनक किसे कहा जाता है, तो हीरा लाल चौधरी को। फादर ऑफ न्यूक्लियर इंडियन न्यूक्लियर साइंस एटॉमिक प्रोग्राम, यानी कि इंडियन न्यूक्लियर साइंस और एटॉमिक प्रोग्राम, फादर ऑफ न्यूक्लियर किसे कहा गया है, तो होमी जहांगीर भाभा को। इनके नाम पर रिसर्च स्टेशंस भी बने हैं। फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी वेरीज। फादर ऑफ आर्किटेक्चर इमहोटेप। फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म क्लासिकल मैकेनिक्स किसे कहा गया है, तो आइजैक न्यूटन को। फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया, रेडियो साइंस का जनक इंडिया में किसे कहा गया है, तो जेसी बोस को। फादर ऑफ सिविल एविएशन जे आर डी टाटा, यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। फादर ऑफ एटम बॉम्ब जे रॉबर्ट ऑफनहाइमर। फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी जेम्स हटन। फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक तो बी आर रामजी अम्बेडकर को कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा जेम्स मेडिसन। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है जेम्स रेनल को। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कॉमेनियस। फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी जॉन लॉकी, यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का जनक कहा जाता है जॉन लॉकी। फादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं और ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा कि फादर ऑफ एआई किसे कहा गया है, तो जॉन मैकार्थी को। फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एफ एंगलबर्ग। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कार्ल एल्किन। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडस्टीनर को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पॉस्चर। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया एम ओ पी अयंकर। एम ओ पी अयंकर इनका पूरा नाम है मंडायम ओसुरी पार्था सराथी अयंकर। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि भारत में, अब अगर हम बात करें भारत में, तो इंडिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग आपका आंसर होगा, नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो इंडिया में एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पॉल सैमुएलसन।
फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। अब फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो पॉल सैमुएलसन को कहा गया है, लेकिन इंडिया में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है, तो एम जी रानाडे को, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। फादर ऑफ नेशन तो सबको पता है, राष्ट्रपिता किसे कहा गया है, तो महात्मा गांधी को। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया में मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म का जनक कहा गया है मनमोहन सिंह को। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस का जनक मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी। फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर को फादर ऑफ मोबाइल फोन्स कहा गया। फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम थ्योरी जो है वो मैक्स प्लैंक लेके आए थे, तो इन्हें यहाँ पर क्वांटम मैकेनिज्म का जनक कहा गया। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे। फादर ऑफ पीजन मूवमेंट एन जी रंगा। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस निकोलो मैचिवेली। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का जनक कहा गया है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर फादर ऑफ एग्रीकल्चर नॉर्मन अर्नेस्ट बारलॉक को कहा गया है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो हैन। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत नहीं है ये, संस्कृत है एक्चुअली, यहाँ पर मिस स्पेल्ड हो गया है। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का जनक किसे कहा गया है, तो वो पाणिनि को कहा गया है। पाणिनि व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे, एंशियंट टाइमिंग में इनका बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने के लिए मिलता है कई बुक्स में। तो फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर एक ग्रामेरियन थे, संस्कृत ग्रामेरियन थे पाणिनि, और यहाँ पर संस्कृत ग्रामर का जो जनक है वो पाणिनि को कहा गया है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा गया है पॉल बर्ग को। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब कृषि विज्ञान, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया है पीटर डी क्रिसन जी को। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है पीटर जॉर्ज फर्डिनेंड को। फादर ऑफ टेलीविजन फिलो फर्न्सवर्थ। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरे डी कॉबर्टिन। फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री पियर फॉचर्ड। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी पॉटी श्रीमुलु। फादर ऑफ नंबर्स, फादर ऑफ नंबर पाइथागोरस को कहा गया है। पाइथागोरस ने यहाँ सबसे बड़ी थ्योरम जो है मैथमेटिक्स की वो लेकर आए, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर उनके बहुत सारे ज्योमेट्री में भी पाइथागोरस के मेंशन देखने के मिलते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसलिए फादर ऑफ नंबर्स कहा गया है पाइथागोरस को। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है राजा राममोहन रॉय। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलसन, रे टॉमलसन ने ही यहाँ ईमेल का इन्वेंशन किया था, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ फिलोसफी रेने डेस्कार्ट्स। फादर ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी रिचार्ड स्मिली। एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है रॉबर्ट हुक को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था एक कॉक के पीस से, तो यहाँ पर फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सैडी कार्नोट। फादर ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन सैम पिट्रोडो। फादर ऑफ न्यू फ्रांस सैमुअल डी चैम्पलिन। फादर ऑफ वेटरनरी साइंस शलिहोत्र। इंडिया में फादर ऑफ वेटरनरी साइंस कहा गया है शलिहोत्र को, ये इंडिया के हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जनक कहा गया है सिगमंड फ्रेड को। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सर हैरोल्ड गिलीज। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉन स्मिल्टन, जॉन स्मिल्टन ये फॉरेनर हैं, लेकिन इंडिया में फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा गया है सर मोक्षगुणधाम विश्वेश्वरा। फादर ऑफ एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी, ये आईएएफ थे ये, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ एयरफोर्स कहा गया। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है सुश्रुत को। सुश्रुत यहाँ पर एक बहुत ही एंशियंट टाइम में ये भी वैद्य थे जिन्होंने एंशियंट टाइम में इस चीज़ को स्टार्ट किया सर्जरी को, तो ये
पुराने टाइम में हुआ करते थे एक वैद्य सुश्रुत, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन को कहा गया है फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। इसके अलावा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो वीर गेसे क्यूरियन। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा गया है विक्रम साराभाई को। फादर ऑफ पेंटियम चिप्स विनोद धाम। फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया है विंट कर्व को, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कन्वेंशन इन्हीं ने किया था, तो फादर ऑफ इंटरनेट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विंट कर्व। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल वॉल्टर जॉनसे कैम। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलहेम वंट। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसे कहा गया है, तो विलियम हार्वे को कहा गया। तो ये हमने डिफरेंट फील्ड्स में केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी फिजिक्स बायोलॉजी इन सभी में अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस स्पेसिफिक फील्ड को आगे प्रमोट किया है उस या फिर उसका इन्वेंशन किया है, तो उन्हीं उनको इस चीज़ का जनक माना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंटरनेट, तो यहाँ पर इंटरनेट का जनक विंट कर्व को इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। तो ये थी वेरियस फील्ड्स और ये उनके फादर्स यानी कि उनके इन्वेंटर्स भी एक तरीके से कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सभी इन्वेंटर्स हों, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने उस फील्ड में आगे और इन्वेंशन किए या फिर उस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया मॉडिफाइड किया, तो इसलिए उसे जनक कहा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।